स्वागत है आप सभी का बच्चों हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ते हैं कुछ इंग्लिश के वर्ड्स को, उनके पार्ट ऑफ स्पीच को और उनके मीनिंग्स को हिंदी में। जी, सबसे पहला वर्ड है हमारा वैली। आप इसको अच्छा इस वर्ड इस लेटर को जब हम प्रोनाउंसिएशन का उच्चारण करते हैं तो कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसको बी पढ़ते हैं, फिर पूछते हैं कौन सी बी, चूल्हे वाली बी, फर्स्ट बी, सेकेंड बी, ऐसे करके। देखिए, आपको पहले तो लेटर का ज्ञान होना चाहिए, इसको बी नहीं कहते हैं, इसमें लिप्स नहीं लगनी चाहिए, इसको वी बोलते हैं, वी, जो कि साउंड लिप्स का नहीं है, अंदर मुंह का है, वी। और जो ए के बाद में आती है उसको बी कहते हैं, बी। तो ये जब इसका उच्चारण पढ़ेंगे वैली 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 मीन्स होता है घाटी। जब दो माउंटेन्स के बीच में जो गैपिंग होती है, जो गैप होता है, उस गैप को वैली कहते हैं, वैली घाटी। अच्छा, वैली शब्द जो है वो नाउन है, क्योंकि ये किसी वस्तु का नाम है ना, किसी आकृति का नाम है। जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनको नाउन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यूज, HUGE, यूज। यूज कहते हैं कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज जो मतलब हम कल्पना कमाए हो उनसे भी बड़ी हो, उसको लगाते हैं यूज। वैसे लार्ज माने भी बड़ा होता, बिग माने बड़ा होता है, लेकिन वो सामान्यतः बड़ी चीजें होती हैं। कोई वस्तु जो हमारे कल्पना से भी परे हो उसको यूज कहते हैं। जैसे कि माउंटेन्स, अगर हम कभी हमने माउंटेन नहीं देखा, देखा देखने जाए तो हमें लगा नहीं तो बहुत बड़ा है, तो हमारी कल्पना से भी परे है, तो उस वस्तु को यूज माउंटेन्स जैसे कह सकते हैं। यूज क्लाउड्स कह सकते हैं बादलों को, यूज क्योंकि बादलों का आकार बहुत बड़ा होता है। यूज मीन्स कोई बहुत बड़ी विशाल वस्तु है। और यूज का अर्थी जो है एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये यूज माउंटेन होगा तो माउंटेन नाउन शब्द है और यूज उसका एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है फ्रोजन, इसका रूट वर्ड होता है फ्रीज। फ्रीज माना था जमना, जो कि एक वर्ब है। फ्रीज से बना फ्रोजन, फ्रीज वर्ड से फ्रोजन वर्ड बना, इसका अर्थी एडजेक्टिव है और इसका माने होता है जमा हुआ। तो फ्रोजन पियर्स, जमे हुए मोती, लैंचो वाले पार्ट में है चैप्टर लैंचो का, तो उसमें वो बरसात होती ओले गिरते तो उन लोगों को वो फ्रोजन पियर्स की मैं कल्पना करता है उससे। तो फ्रोजन मीन्स जमे हुए। नेक्स्ट वर्ड है ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है कोई दिक्कत, कोई परेशानी, उसको बोलते हैं ट्रबल। जैसे यात्रा करते समय कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो उसको ट्रबल कहेंगे। ट्रबल मीन्स मुसीबत या फिर परेशानी, ये नाम शब्द है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। मुसीबत देख नहीं सकते ना, लेकिन होती है। ऐसे ही यूनिट, यूनिट कहते हैं किसी की मापन की प्रक्रिया के लिए सबसे छोटा पॉइंट, उसको यूनिट कहते हैं, इकाई। जैसे कि किसी भी मेजरमेंट को मापने के लिए किसी माप की एक यूनिट होती है, ठीक है। जैसे कि किलोमीटर्स की यूनिट जो है मीटर होती है, ठीक है, उसी तरीके से। तो यूनिट भी इकाई, ये भी नेम है, नाम शब्द है, एक नेम वर्ड। उसके बाद अगला वर्ड है सिक्स्थ वर्ड है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का रूट वर्ड होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है सीधे, प्रत्यक्ष। और डायरेक्ट का आइजन इन लगा के बनाया गया एंटोनिम, जिसका मीनिंग होता है अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट का इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष नहीं मीनिंग। तो अप्रत्यक्ष ये हाँ, ये इनडायरेक्ट जो एडिटिव है, इनडायरेक्ट वे होता है। जैसे हम आपको इनडायरेक्ट वे में मना कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से मना कर रहे हैं, तो वो हमारा एडजेक्टिव हुआ, वे का एडजेक्टिव। ऐसे ही मेल, सेवेंथ वर्ड है मेल। मेल मतलब होता है चिट्ठी, आप सभी जानते हैं चिट्ठी होती है। तो अब जैसे आपने सब सुना होगा ईमेल,
तो ईमेल का मतलब होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब विद्युतीय चिट्ठी, एक साथ है डिजिटल चिट्ठी। तो मेल का मतलब चिट्ठी। अच्छा आधे टा को जब बनाना है तो या तो आधा टा बना दीजिए या फिर टा बना के नीचे हलंत का प्रयोग कर देंगे तो आधा अक्षर हिंदी में होता है। इस तरीके से ये जो वर्ड है ई एस ए, जब आप इसको बोलेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो बड़ा डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन निकलेगा। एग्जैक्ट बोलते हैं उसको। एग्जैक्ट अब इसमें देखिए आधा का आ रहा है लेकिन आधे का के लिए जी का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है तो ई एक्स से ये वर्ड बना एग्जैक्ट। और आधे आधे का के ये सी बना है और टी से टा। एग्जैक्ट एग्जैक्ट का मतलब होता है एकदम सटीक। क्या होता है सटीक या फिर एकदम सही अक्यूरेट। एग्जैक्ट लोकेशन बताओ ठीक है। जैसे आप कहें बरेली में तो कहेंगे एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, तब आप बरेली में वो प्लेस बताएंगे जहाँ पर आप अभी प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं, जैसे कि बस अड्डे पर है या फिर कहीं भी है। तो एग्जैक्ट का मतलब एकदम सटीक वाली सही वाली, ये भी एडजेक्टिव होता है। अच्छा मेल मेल शब्द नाउन होगा, चिट्ठी नाउन होता है, जमीन वर्ड है, वस्तु का नाम है। वैल्यू इसको बोलते हैं वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है किसी को ये पद भी है अपने आप में। वैल्यू मीन्स कीमत देना, महत्व देना। अगर आप लगा रहे हैं तो उसका ये पार्ट भी बन जाएगा नाउन वर्ब, और अगर आप उसका माने कीमत मान रहे हो तो ये नाउन शब्द हो जाएगा। तो मैं इसको महत्व देना समझ रहा हूँ पे, तो ये वर्ब है। महत्व तो देना इम्पोर्टेंस देना, इम्पोर्टेंस वर्ड का ये सिनोनिम है। इम्पोर्टेंस और वैल्यू सिनोनिम है एक दूसरे के। अगला वर्ड है इंडिकेट। इंडिकेट शब्द से आपने सुना होगा बाइक में और व्हीलर्स में इंडिकेटर लगे होते हैं। इंडिकेटर इंडिकेट वर्ड होता है, रूट वर्ड है इंडिकेट जिसका माने होता है दर्शाना, सिग्नल देना, संकेत देना। और ऐसे ही जो लगे होते हैं साइड में वो होते हैं इंडिकेटर, यानी कि संकेत देने वाले, संकेत देने वाले। तो वो हो जाएगा नाउन शब्द इंडिकेटर, जैसे कि राइट राइटर, इंडिकेट इंडिकेटर। तो ऐसे वो हो जाएगा नाउन शब्द इंडिकेटर, लेकिन ये इंडिकेट है। इंडिकेट का मतलब होता है किसी को संकेत देना, दिशा देना। तो ये वर्ब है। ये तो आज आपने पढ़े कुछ वर्ड्स, उनके प्रोनाउंसिएशन, उनके एडजेक्टिव और स्पीच, और उनके हिंदी मतलब हिंदी में माने। तो आशा करते हैं आपको इन वर्ड से आपकी नॉलेज में कुछ वृद्धि हुई होगी, इंक्रीजमेंट हुआ होगा। जैसा कि आप थोड़ा अभी समझ रहे होंगे, अभी हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं वर्ड माइंड में लेकर चल रहे हैं। वर्ड आपकी वोकैबुलरी जो है शब्दकोश को पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए सिर्फ वर्ड ही पढ़ा जा रहा है।